सुधांशु की गाड़ी का कोई पेट्रोल ही पार कर लिया भाई। स्वप्निल भाई देख यार है कि नहीं, यही था जहाँ पे हम लोग कभी मसाज नहीं कर रहे हैं, बट लोग 30 दिन में शायद 40 50 60 बार मसाज करवा चुके हैं रजिस्टर में नोट करवा के। भाई साहब क्वालिटी देख रहे हो, ये है 14 प्रो मैक्स की क्वालिटी। भाई फोन बड़ा भी है ना पकड़ने में, भाई कवर भी नहीं लगा, अभी कवर भी नहीं लगा भाई न्यू वाले फोन में, तो फिर अब चलो चलते हैं। क्या ट्रेंड्स चलेगा? चल चलते हैं। अरे यार कुछ याद आ गया अभी, और कुछ जब ये गाड़ी चलवाते थे ना घर वाले, तो मतलब ऐसा लगता था कि मतलब हम ही चला रहे हैं। बाद में पता चला कि ये बहुत बड़ा स्कैम होता है, मतलब कंट्रोल कोई और ही करता है। भाई अभी हम लोग आ चुके हैं स्पा करवाने, और हम लोग जाएंगे वो करवाने स्पा करवाने। यही स्पा था जहाँ पे हम लोग कभी मसाज नहीं करवाए हैं, बट लोग 30 दिन में शायद 40 50 60 बार मसाज करवा चुके हैं रजिस्टर में नोट करवा के। तो ये बंद हो चुका है। स्वप्निल की राय लेते हैं कि मसाज सेंटर में क्या करना चाहिए। स्वप्निल अगर मसाज सेंटर तो जा रहा है तो देखो उस वहाँ पे क्या चाहिए सबसे पहले। पेन जिसमें रजिस्टर में लिखोगे। अच्छा। और पक्का बिल चाहिए कि आपको कच्चा बिल चाहिए? कोई मिल चल जाएगा, पुलिस आती जाती रहती है। तू कभी यहाँ पे विजिट किया है? कभी नहीं किया। रेगुलर कस्टमर है, मुंह दिखा उसका। रेगुलर आज तक नहीं आया हूँ यार, कभी नहीं आया, तुम्हारे साथ आया हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भाई, झूठ बोल रहा है। हम लोग पहली बार आ रहे हैं, हम लोग खुद यहाँ पे भाई। हाँ तो भाई मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। तो कमेंट भाई के लिए, तो देखो भाई ये अभी जो भी वीडियो बन रहे हैं वो सिर्फ मजाक मस्ती एंड फन के लिए है, इस पे कोई भी सीरियस चीज ना लिया जाए, एंड सीरियस कुछ नहीं है। पता चले पल्लव जी बुला लिए आपको। इसीलिए डिस्क्लेमर तो दूंगा ही सामने, मतलब आज पहले ही बार वीडियो के सामने डिस्क्लेमर तो दूंगा ही, बट साथ ही साथ मैं वीडियो के अंदर ही बता रहा हूँ कि जो भी आज वीडियो में होने वाला है वो सिर्फ मजाक है और मस्ती के तौर पे ले। थर्ड फ्लोर है ना सामने लिए ये भाई, कितने सारे स्पा है भाई यहाँ पे, ऊपर सारे स्पा है और ये भूत बंगला। तू अक्सर वाली इमोजी का यूज क्यों करता है रात में? कौन सी भाई ये? कि प्लीज भेज दो ना, बस से भेज दो, डिलीट करके देख के डिलीट कर दूंगा। और वाली इमोजी सुम देश भाई आर जी के सामने भाई सामने, व्हाट इज दिस वी आर जी, मतलब मैं भी अपने नाम के आगे आनंद अल्फिल्टर जी लिखवा लेता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है? यहाँ पे सुधांशु के ड्यूरेशन दिखे हैं 100 रुपए 15 मिनट। कोई बात नहीं, 50 रुपए में 80 मिनट। 80 मिनट खेल लेगा? 80 मिनट 8 मिनट है, देख क्या जाए। अच्छा 8 मिनट है। अबे तू थोड़ा सा बहन भाई। यहाँ पे 99 किल हो चुका है भाई का, भाई एक भी नहीं मार रहा यार, लाल हो गया नहीं दिख रहा। तो अब हमारी बारी है भाई, सुधांशु क्या देख लिया भाई, सुधांशु एक्सपीरियंस कैसा रहा खेलेगा तेरा? ठीक था अब देखता मैं खेलता हूँ फिर बताता हूँ कैसा एक्सपीरियंस। ठीक था भाई, ठीक था, मर के आया वहाँ पे। सीरियस हो गया गाइस, देख लो थोड़ा सीरियस हो जा भाई लाइफ में। भाई वैसे अच्छा खेलता था मैं। भाई तो वीआर का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था, अगर कभी टीआई आ रहे तो वीआर जरूर खेलना भाई, फर्स्ट टाइम मैंने खेला है एंड सीरियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मजा आ गया भाई। सब देख लिया, टाइम अप हो गया स्वप्निल भाई। भाई यार मतलब ठीक है कभी नहीं खेला बट हार गया, तो एक भी लेवल क्लियर भाई। एक ही लेवल दो बार मरा है।
तो भाई मैं पहली बार खेल रहा हूँ ना, तुम लोग सारा खेल चुके हो। कहाँ बैंगलोर में कितना रुपये लगाया था भाई? कितना? 1200 रुपये। एक्सपीरियंस लिया है ना, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सर यहाँ पे जितने लोग शॉपिंग जितने लोग आए हैं यहाँ पे बंदा हंडी वाले आए, ठीक है, और हम लोग हम तीनों सिंगल लोग, मतलब हम दोनों सिंगल लोग, हम दोनों उड़ उड़ के तेरी ज़ुल्फ़ें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं। सो गाइस अभी हम लोग जस्ट बाहर निकले हैं स्पा से। सबने बहुत खुश दिख रहा है। मैं नहीं, ये दोनों सुधांशु के पास थोड़ा वन प्लस वन था ना, मतलब बाय वन गेट वन था, मतलब वन प्राइस अगर पे करो तो दो जन करवा सकते हैं स्पा। तो मैं और स्वप्निल अभी अंदर से बाहर निकले हैं और वीडियो के लास्ट में तुम लोगों को अंदर की वीडियो दिखाई जाएगी, ठीक है, वीडियो के लास्ट में, और वीडियो के लास्ट में वीडियो के बीच में कहीं पर दिखाया जाएगा, नहीं तो तुम लोग अभी स्किप करके आगे पहुँच जाओगे, ठीक है, वीडियो के बीच में कहीं दिखाई जाएगी। तो अभी इन्जॉय करो अंदर का। भाई क्या दिख रहे हो तुम लोग? स्पा दिख रहा है अंदर का, ये इन्जॉय करो। ये वाला फैक्टर देखो भाई, कितने लोग यहाँ पे घूमने फिर रहे हैं। उससे नीचे जा रहे हैं हम लोग, स्वप्निल एस्केलेटर से नीचे जा, पता नहीं लगता इसका चार्ज खत्म हो गया है। रिलायंस डिजिटल और अब यहाँ पे आके 14 प्रो मैक्स देखते हैं। भैया पहचाने मत हो बस। तो अपने ये है 14 प्रो मैक्स, क्वालिटी देख रहे हो, क्या बोलते हो गाइस? भाई 14 प्रो मैक्स ले ले। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? है भाई 14 प्लस का, 14 प्रो का, 14 प्रो का क्वालिटी है, ये देख लो भाई नेक्स्ट लेवल का है। और दिखा दो भाई फ्री, ये 14 प्रो मैक्स की क्वालिटी है भाई, क्या क्वालिटी है यार। क्या बोला दोबारा बोल, सेम चीज़ बोल। सक्सेसफुली सोच तीन लोग तीन मोबाइल लेके जाते रहे। 14 प्रो मैक्स, 14 प्रो मिनी, 13 प्रो मिनी, साला अबे हॉटस्पॉट में वो रखा है, हॉटस्पॉट का नाम रखा है 13 प्रो मिनी। फोन कौन सा है? सैमसंग 2016 मॉडल। भाई जनता को बता दे कि कौन सा फोन लिए हम लोग। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रिलायंस डिजिटल से बाहर आ चुके हैं और स्वप्निल के हाथ में एक थैला है जिसमें फोन है, ठीक है। मेरे पूरे मतलब 11 की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है पर न्यू फोन की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल। देखो रात का क्या बैलेंस किया भाई, भाई फोन बड़ा भी है ना पकड़ने में, गिर मत जाए। हाँ संभाल के रख भाई, कवर भी नहीं लगा अभी, कवर भी नहीं लगा भाई न्यू वाले फोन में। तो फिर अब चलो चलते हैं, देख रहे हो भाई तुम लोग खुद चेक करो, रात में इतनी अच्छी क्वालिटी आ रही थी, नहीं आ रही थी ना। चलते हैं कवर और लगवाते हैं न्यू फोन का और लास्ट में घर जाके तुम लोग को रिवील करते हैं कि कौन सा फोन था। भाई सुधांशु की गाड़ी का पेट्रोल कहीं पार करके ले गया, भाई मेरी गाड़ी का तो कोई पार करके नहीं ले गया ना, एक मिनट चेक कर लो। नहीं नहीं मेरी गाड़ी में इतना ही पेट्रोल था और इतना, भाई तेरी गाड़ी में सही में नहीं है एक भी बूंद पेट्रोल? पेट्रोल है दिख रहा है लेकिन बहुत कम लग रहा है। भाई तो हिला ना उसका टंकी, हिला है। तो कितने का डलवाया था? 150 लाख है। 150 लाख तो आज नहीं आ रहा इसमें। अबे यार रिजर्व भी नहीं लगी थी अभी गाड़ी, अबे 150 का भरा क्या है, बोलते हैं कैसे बकवास कर रहे हैं भाई, रिजर्व की बात ही छोड़ना भाई, आधा टंकी भर गया होगा 150 में तो।